नई मुंबई के सिंदेगढ़ से टिकट न मिलने पर विजय नाहटा ने अपक्ष पर्चा किया दाखिल। पर्चा करने के बाद किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए खबरें आज भी के लिए, नई मुंबई से सुरेंद्र सरोज की रिपोर्ट। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नवी मुंबई का बेलापुर जो क्षेत्र है, यहाँ पे 49% लोग, हमने आउटसोर्स सर्वे किया, बाहर के राज्यों से आए हुए और बाहर के सभी राज्यों से आए हुए। इस शहर में महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों से लोग आए हुए हैं और इन लोगों की सेवा 10 साल हमने निरपेक्ष भाव से की हुई है और उन सब लोगों की इच्छा थी। सब लोगों ने हमें बुला बुला के बोला, हमारा सत्कार किया, भाषण किया कि आप इस साल आमदार बनेंगे, आप आमदार जिले के चुनाव लड़ो और उनकी अपेक्षा पूर्ण करना, इस शहर को सेफ देना, इस शहर को आगे लेके जाना। और मेरा जो प्रशासकीय अनुभव है, मेरा जो बैकग्राउंड है, दूसरे उम्मीदवारों के प्रति कहीं अच्छा है उनके, मैं नहीं कहूंगा कि आइडियल है उनके। आप देखिए, कैंडिडेट है 34, एक कैंडिडेट है जिनको मिस्टर 10% कहते हैं और एक कैंडिडेट मैं हूँ। अभी बाकी और कैंडिडेट होंगे, उनके बारे में अभी तक तो मालूम नहीं मुझे। तो इनमें इस शहर में सुसंस्कृत लोग है, एजुकेटेड लोग है, खुद सोच के वोट करने वाले लोग है, पैसे लेके वोट नहीं करने वाले ज्यादातर करीबन सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वो कंपेयर करेंगे और मुझे वोट करेंगे। अभी मैं बोलने के बजाय, जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा, आप उन लोगों से बात कीजिए, सभी पार्टी के लोग मुझे मदद करेंगे। सही परसेंटेज कम जाता हूँ, 10% शिवसेना का कार्यकर्ता मेरा काम करेगा, आपको लिख के देता हूँ, एक भी शिवसैनिक मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा।